हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हाफिज मोहम्मद हाशिम राजा कानपुरी साहब ने कुरान शरीफ के तिलावत से प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। अपनी आदत के मुताबिक सब लोग आमीन कहिएगा। अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शरीफ कबूल करता है। मुबारकबाद के लाए अरकान कमेटी के लोग, यहाँ के बच्चे बूढ़े नौजवान, आप सभी लोग मुबारकबाद के लाए को कि आप लोग साल में जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का बहुत शानदार प्रोग्राम आप लोग कराते हैं। बहुत ज़्यादा मुबारक, बहुत लंबी नहीं करूँगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अपनी आदत के मुताबिक कलाम आला हज़रत से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जो अल्लाह के हबीब की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं और यूँ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरकार चमक जिससे पाते हैं सब पाने वाले। सरकार चमक किससे पाते हैं सब पढ़ने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। जब अल्लाह के हबीब ने अपने गुलाम को चमकाया तो ऐसा चमकाया कि हमारे आपके कानपुर में नहीं चमक रहे बल्कि पूरी दुनिया सुन्नत में चमक रहे। बल्कि आला हज़रत की दुआ इतनी मकबूल हुई कि आज के दौर में सरकार ताजी शरिया भी चमक रहे। या रसूल अल्लाह, सरकार चमक किसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाले। और अचानक दुश्मन है दम मेरा आना, और कहा तूने देखे हैं चंद लाने वाले, कहा तूने देखे हैं चंद लाने वाले। आप लोग बहुत अच्छे, मैंने एक बार टोली की बड़ी तारीफें सुनी, रानू भाई ने बहुत तारीफें दी है, लेकिन वाकई में अल्लाह उसका रसूल जानता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो। अच्छे इसलिए हो कि आप लोग जिक्र शहीद आजम की महफिल में आप लोग बैठे हुए। खाली आप लोग एक काम करते हैं, एक काम ये करना है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कहते हैं, बाकी फकीर अपना काम बड़ी तेजी से कर जाएगा, है ना माशाल्लाह। हुक्म के मुताबिक क्योंकि इस प्रोग्राम की जेर निगरानी शान रियाज कानपुरी साहब फरमा रहे हैं, जो शाकार तरंगों में बहुत शानदार करते हैं। उन्होंने जैसी हमको लिस्ट बना के दी है उसी के मुताबिक मैं चलना, है ना। एक बार पूरा बनवा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मेरा जहन काम करेगा कंप्यूटर तरीके से इंशाल्लाह। आप लोग देखिए कि दुनिया का सारा हुस्न व जमाल एक तरफ, दुनिया का सारा, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता नहीं था, अब तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर। हर आदमी अपनी हकीकत को जानता है, मुझको मेरी हकीकत पता है, लेकिन ये अल्लाह उसके रसूल का कि जब तक बिका ना था कोई पूछता नहीं था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर। कि किसको लाओगे तुम जमाने मुस्तफा के साथ? है भाई, हाय कहता है कि किसको लाओगे तुम, किसको लाओगे तुम जमाले मुस्तफा के सामने। और चांद भी फीका है उनके नक्शे पा के सामने, चांद भी फीका है उनके नक्शे पा के सामने, और हम गुलामाने मुस्तफा हैं। इतनी भी कुछ बात है, हम चराग अपना चलाते हैं, हम चराग अपना चलाते हैं हवा के सामने, हम चराग अपना चलाते हैं हवा के सामने। और एक आखिरी शेर और सुनते हुए चलिए, इसके बाद जैद कानपुरी आपकी समातों के हवाले होंगे। ईमान वाला जो होता है, सुन लो पहले, ईमान वाला जो होता है मोमिन होता है, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, ताबईन तबा ताबईन, गौसे आजम, गरीब नवाज, कुल औलिया की मोहब्बत होती है। जब वो अपनी कब्र में जाता है तो उसको सांप बिच्छू नहीं खाते, उसको सांप बिच्छू नहीं खाते, वो आराम से अपनी कब्र में सोता है, आराम से सोता है, क्योंकि वो ईमान लेके जाता है। कैसे सोता है? मैं शेर हासिल करता हूँ, एक बार पूरा मजा करें, या रसूल अल्लाह, जमीन के अंदर अजाब कैसा, वहां ज़ियारत नबी की होगी नहीं। जिसको जिसको ज़ियारत करनी हो उतनी जोर से कहे सुभान अल्लाह। जमीन के अंदर अजाब कैसा, वहाँ ज़ियारत नबी की होगी, भरोसे मैशर कदम कदम पर बड़ी जरूरत नबी की होगी। दुनिया ये समझती कि अच्छे बोल रहा, ये सरकार गौसे आजम का फैजान बोलता है। कि जमीन के अंदर अजाब कैसा, वहाँ ज़ियारत नबी की होगी, भरोसे मैशर कदम कदम पर बड़ी जरूरत नबी की होगी। उसी पे रहमत खुदा की होगी, जिसे भी उल्फत नबी से होगी, उसी का जन्नत में घर बनेगा जिसे मोहब्बत नबी से होगी।
अभी आप मेरा कट्टर पर नाश करो, अभी हमको टाइम मिलेगा तो मैं जरूरी बात भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह वक्त के मुताबिक। मैं तीन शेर पढ़ने के लिए जय कानपुरी साहब के साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।